व्यर्थ नहीं जाने देना उन वीरों के बलिदान, व्यर्थ नहीं जाने देना उन वीरों के बलिदान जिन्होंने इस वतन के खातिर हंसते हंसते दे दी अपने प्राण, हमारे सुकून भरी नींद के खातिर, हमारी सुकून भरी नींद के खातिर जो हमेशा के लिए सो गए उनका कर्जदार रहेगा ये पूरा हिंदुस्तान, ये पूरा हिंदुस्तान। माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर अमितजीत सिंह सर, सम्मानित अतिथिगण और सम्मानित शिक्षक वृंद, मैं शबनम सुहाना आज गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। गणतंत्र दिवस के इस शानदार अवसर पे हम सब एक साथ आए हैं ताकि हमारे संविधान के स्थापना दिवस के इस महत्वपूर्ण दिन को हम समर्पित कर पाए। संविधान एक देश की आत्मा होती है जिससे देश की पहचान होती है और जिससे देश का मूल्य होता है। भारतीय संविधान को निर्माण करने के लिए 1946 में संविधान सभा का निर्माण किया गया। संविधान सभा ने अपना कार्य 9 दिसंबर 1946 से शुरू की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नेतृत्व में 1947 में संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और संविधान सभा ने इस ड्राफ्ट को 1949 के 26 नवंबर को स्वीकृति दी। 1950 के 26 जनवरी तथा आज ही के दिन हमारे भारत का संविधान लागू किया गया था और हम गर्व से कह सकते हैं कि तब से आज तक भारत ने हर एक क्षेत्र में प्रगति की और गणतंत्र के रूप में सबसे सफल भी साबित हुई, जो आज भी कई सारे देशों के लिए एक मिसाल है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है जो भारत के नागरिक को एक समान भूमि पर रख के उनके स्वतंत्रता, उनके अधिकार और उनके कर्तव्यों का रक्षा करते हैं। भारत का संविधान जब लागू किया गया था तब इसका 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, लेकिन आज भारत के संविधान के, भारत के सांस्कृतिक विविधता के कारण भारत के संविधान का 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग है। मेरे प्यारे साथियों, असम के इस पवन भूमि से मैं पूरे भारत को एक संदेश देना चाहती हूँ कि भारतीयता हमारी पहचान है, भारत में रहना हमारे लिए गर्व की बात है। भारत के संविधान जो 1950 के 26 जनवरी में स्वीकृति प्राप्त की थी उसने हमें बोलने की, देश में रहने की, अपने पसंद के धर्म को चुनने की और शिक्षा लेने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। हम संविधान का मान तभी रख पाएंगे जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, एक दूसरे के अधिकारों का रक्षा करेंगे, जाति धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे, नियमों का पालन करेंगे और साथ ही ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहाँ पर रोटी की कोई कमी ना हो और सभी औरत महफूज हो। अंत में कुछ पंथियों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगी। संविधान के मौलिक अधिकारों का हम देते हैं वक्तव्य, संविधान का मौलिक अधिकारों का हम देते हैं वक्तव्य, पर यह हम भूल जाते हैं कि कुछ हमारे भी है कर्तव्य। बना रहे हर परिस्थिति हर संकटात में एकत्व, बना रहे हर परिस्थिति हर संकटात में एकत्व, लागू हो जाए राज्य के सभी नीति निर्देशक तत्व। आज भी जो